पद्मा। नाज़रीन, नमक सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ अमराज का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह आज रावलपिंडी में मैं मौजूद हूँ, जहाँ एक फैमिली ने एक नमक का घर बना दिया है, पिंक सॉल्ट से एक घर बना दिया है, जहाँ पर मुख्तलिफ एलर्जी और सांस की बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। तो उन्हीं फैमिली में, जो जिन फैमिली ने बनाया, उनकी एक फैमिली मेंबर हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको ये ख्याल कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताइएगा कि आपको ये पिंक सॉल्ट, जो हाउस ऑफ पिंक सॉल्ट है, ये बनाने का ख्याल कैसे आया? इसकी इंस्पिरेशन मुझे खेवड़ा माइंस जाके हुई थी। मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ पर देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर सॉल्ट केव्स बनाई हुई है, जो रेस्पिरेटरी या स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन मुझे ये वहाँ पर जाके ये हुआ कि ये काफ़ी दूर है और हर किसी की रीच में नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं अपने शहर में लेकर आऊँ, रावलपिंडी में। और फिर मैंने ये, उसके बाद मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि सॉल्ट के अंदर अपनी कुदरती प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी एलर्जी होती हैं। तो उसको सोच के फिर मैंने और थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बैरूनी ममालिक के अंदर बहुत से जो थेरेपी सेंटर्स हैं, बहुत से क्या, ज़्यादातर जो थेरेपी सेंटर्स हैं उसके अंदर पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट ही यूज़ होता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, और वहाँ पर उन्होंने सॉल्ट रूम्स बनाए हुए। तो फिर मैंने सोचा कि जब सॉल्ट हमारा है तो हम अपने लोगों को इससे मुतारिफ क्यों ना कराएं। तो इसलिए मैं इसको यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में लेकर आई और मैंने ये बनाया। अच्छा, अभी तक जो है ना, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है पिंक सॉल्ट के हवाले से कि ये सांस की बीमारियों के लिए जो है अच्छा है ये। तो बेसिकली पिंक सॉल्ट के फायदे क्या है? ये देखिए, एक कदीमी तरीका इलाज है ये, जो सॉल्ट थेरेपी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सॉल्ट के अंदर कुदरती तौर पर एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो रेस्पिरेटरी और स्किन प्रॉब्लम्स में काफ़ी हद तक काम मौवन साबित होती है सॉल्ट थेरेपी जो होती है इसका। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मेडिसिन छोड़ दें, जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन बताई है वो आप जारी रखें। लेकिन ये सॉल्ट रूम्स जो है ये मौवन साबित होते हैं। ये चीज़ 12वीं सदी में एक पोलिश साइंसदान ने भी वो करी थी, रिसर्च करके ये चीज़ें वो एक्सप्लेन करी थी कि जो सॉल्ट के एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग रहते हैं या सॉल्ट रूम्स के अंदर, ये सॉल्ट माइंस के अंदर रहते हैं, उनको रेस्पिरेटरी या स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होती हैं। और फिर ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी उसमें भी ये चीज़ जाहिर हुई कि जो जर्मन सोल्जर्स जिन्होंने सॉल्ट माइंस के अंदर पनाह ली, उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा था एज़ कम्पेयर टू अदर सोल्जर्स। उनको ये रेस्पिरेटरी और ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो कम हुई थी। तो ये एक बहुत कदीमी तरीका इलाज है, लेकिन ये एक सक्सेसफुल तरीका इलाज है। ब्रिक्स हैं, ये ईंटें लगी हुई हैं, ये भी पिंक ऑफ सॉल्ट की जी, ये भी पिंक सॉल्ट की बनी हुई है। और ये जो हमने बनाए हैं रूम्स, ये 14,000 किलो सॉल्ट से बने हैं। ये बकायदा ब्रिक्स हमने बनवाई हैं खास तौर पे, और हमारा एक बहुत स्किल्ड लेबर है जिसने ये हमें तामीर करके दिया है। और इसके तो आपकी ये जो पिंक सॉल्ट है, ये आप मंगवाती कहाँ से हैं? ये हम लोग खेवड़ा या कालाबाग से मंगवाते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि हम लोग अगर मतलब लोग अगर चाहें तो अपने घर में भी या अपने ऑफिसेज में या मुख्तलिफ होटल्स में वो अपना ये बनवा सकते हैं, और हमसे हमारे पास ये सर्विसेज भी हैं मौजूद। तो आपकी जो ये ओवरऑल जो आपका ये प्रोजेक्ट है, इस पर कॉस्ट कितनी आई? इस पर 50 लाख के करीब आई है। 50 लाख के करीब, क्योंकि ऑब्वियसली जो पिंक सॉल्ट है वो एक्सपेंसिव भी है, बहुत ज़्यादा। आप डेली बेसिस पर यहाँ पे कितने पेशेंट्स आते हैं अपनी रिकवरी?